जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का डे है 18। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज हमने कितने ट्रेड लिए और आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों आज मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड मैंने इस जगह पर लिया था। तो देखिए दोस्तों इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट ना पूरा डाउन था, ठीक है, डाउन साइड का था। तो डाउन साइड के मूवमेंट में हमेशा इंतजार करता हूँ कि मार्केट ना या तो गैप डाउन खुले, गैप अप ओपन हुए, और गैप अप ओपन हो या गैप डाउन हो उसके बाद में एक बाइंग की स्विंग बनाए। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में ये बाइंग की स्विंग बनाए। तो यहाँ पर मुझे कोई कन्फर्मेशन ऐसी मिली नहीं थी कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि शूटिंग स्टार कुछ ऐसी कैंडल बने, लेकिन ये एक इनसाइड कैंडल बनी थी तो मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। तो उसके बाद में मार्केट नीचे आया तो मुझे वापस से इंतजार था कि एक और बाइंग की स्विंग बनाए। तो ये बाइंग की स्विंग बनाए क्योंकि यहाँ पर ये अपना जो फिबोनाची का एरिया आ रहा था ना 50% का, तो वो एरिया था, उस वजह से ये स्विंग यहाँ पर बनी थी। लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी और प्रॉफिट बुकिंग। तो जैसे ये कैंडल बनी तो मैंने इस कैंडल की ओपनिंग पर ही एंट्री ले ली थी, जो ये रेड वाली कैंडल है ना उसके ओपनिंग पर। तो यहाँ पर मेरा एसएल था और इसमें मैंने यहीं तक का टारगेट लिया था, ठीक है, और जो मेरा मेन अकाउंट है उसमें मैंने पूरा यहाँ तक का लिया था, यहाँ तक का पूरा यहाँ तक का लिया था। तो यहाँ पर ये ट्रेड लेने के बाद में मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया था। एग्जिट करने के बाद में मार्केट यहाँ तक आया तो हमें आप देख सकते हो कितने का प्रॉफिट हुआ है। देखिए दोस्तों आज हमें 657 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए मैंने यहाँ पर 31 अगस्त के गुनी 400 की पुट ली थी। तो दोस्तों आपने कहा था कि अपना पूरा अकाउंट भी बताइए, तो देखो मैं आपको पूरा अकाउंट बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए दोस्तों हमारे इस अकाउंट में ना, ये मेरा बैक टेस्ट का अकाउंट भी है, तो इसमें 30,710 रुपये है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरे 5,000 रुपये से नहीं बनाए गए, इसमें पहले भी कुछ पैसे थे। आप सोचो कि मैंने 5,000 रुपये से 30,000 रुपये बना लिए, तो मैंने अभी 5,000 से कितनी बनाई वो मैंने अभी तक टोटल किया नहीं है। तो देखो आज की अपन जो ऑर्डर देखते हैं यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स में जाके फ्यूजन ऑप्शन का, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने आज लिया था 19,400 का पुट लिया था, मैंने इसको 76 रुपये पर बाई किया था, ठीक है, 76.25 रुपये पे, और मैंने इसको 91.40 रुपये पर बेचा था। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो मैंने इसको 76 रुपये पर ख़रीदा था और 91.40 पर इसको मैंने बेच दिया था, क्योंकि नीचे सपोर्ट था ना उस वजह से। उसके बाद में देखो दोस्तों जो आज मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी ना, जो स्ट्रेटजी आज मैंने आपको बताई थी, आप उसका वीडियो जाके देख लेना। देखो दोस्तों उसमें मैंने आपको बताया था कि बायर कब आएंगे, जब एक भी हाई टूट जाएगा। देखो ये हाई था लास्ट, ये हाई टूटने पर बायर आते, फिर ये हाई टूटने के बाद में बायर आते, फिर इसके बाद में ये हाई टूटने के बाद में बायर आते, और ये हाई टूटा नहीं, यहाँ तक बायर आए लेकिन हाई टूटा नहीं था, तो सेलर के पक्ष में ही मामला था पूरा, ठीक है दोस्तों, और सेलर के पक्ष में पूरा मामला था। तो आपको बाय करने की अगर आज आपने कॉल लिया है ना, तो समझ लेना कि आप ट्रेंड के साथ में नहीं चल रहे हो, आप बड़े प्लेयर के साथ में नहीं चल रहे हो। मैंने आपको आज के वीडियो में साफ बताया था कि बायर इसको तोड़ने के बाद में आएंगे, इस स्विंग को तोड़ने के बाद में आएंगे और इस स्विंग को तोड़ने के बाद में आएंगे, लेकिन एक भी स्विंग टूटी नहीं और बायर आए नहीं, लेकिन आपने फिर भी ना कॉल साइड की एंट्री ली होगी, मेरे को पता है, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ों को समझते नहीं हो उनको। तो आपको ने अगर वो वीडियो देखा नहीं है ना, एक बार वो वीडियो आप दोबारा देख लेना, आपको और भी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी उसमें बहुत सारी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अगर आप फिबोनाची का देखोगे, यहाँ तक तो अपना फिबोनाची इस यहाँ पर एक एंट्री हो गई थी फिबोनाची से, ठीक है, उसके बाद में अपनी एंट्री कहाँ पर हुई थी, जो एक और स्विंग बन गई थी ना, तो उसके बाद में अपनी एंट्री फिर से एक यहाँ पर हो गई थी, ठीक है, तो अपना फिबोनाची दो बार अपनी एंट्री दे दिया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में फिर से अपना फिबोनाची आया, और फिबोनाची आया है तो ट्रेड भी देगा, तो उसने फिबोनाची ने फिर से ट्रेड दिया, तो फिबोनाची ने 1, 2, 3 ट्रेड दिए और तीनों सक्सेसफुल ट्रेड बने थे, ठीक है। उसके बाद में अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, देखो तो उसके बाद में ड्रॉ करोगे ये स्विंग से ये स्विंग, तो ये स्विंग देखो दोस्तों इसने डायरेक्ट तोड़ दिया, तो फिबोनाची कोई काम नहीं आया, ठीक है, तो अपन वापस से इसको यहीं पर ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद ही वापस से मार्केट इसके नीचे आया, उसको टेस्ट करके देखो वापस आया, लेकिन इस ट्रेड को अपन छोड़ देंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगर वापस से आप फिबोनाची को देखोगे जो लो पकड़ के यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद में देखो दोस्तों फिबोनाची ने वापस से यहीं से इस लो से यहाँ देखो फिबोनाची को टच किया, और टच करने के बाद में देखो ये कम से कम 4-5 बार काम करा अपना फिबोनाची, आज 4 या 5 बार काम करा और एक भी ट्रेड गलत नहीं दिया फिबोनाची। अगर आप इसको अच्छे से यूज करोगे ना, तो आपको ये एक भी ट्रेड गलत नहीं, मैंने आपको सारे वीडियो ना एकदम हीरे की वीडियो है, आपको ऐसी वीडियो ना पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ना मेरे वीडियोस को हल्के में ले रहे हो। आपको वीडियोस को देखना चाहिए, समझना चाहिए हर चीज़ को। देखो यहाँ से आपकी ये ट्रेड लाइन आई थी, देखो इसका ब्रेकआउट हुआ था, देखा, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ आपकी गलतियाँ क्या है। देखो मैं ऊपर से ये रेजिस्टेंस बना लेता हूँ, ये वाला मैंने ये रेजिस्टेंस बना लिया, ठीक है, तो आपकी गलतियाँ बताऊँ मैं, देखो ये गलती है आपकी,
आप ये बन गया, ठीक है, ये बन गया और इसको इसके ये ट्रायंगल पैटर्न आप बना के रखोगे और इसके ब्रेकआउट पर आप ले लोगे, ठीक है। लेकिन आपको लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि बायर तो यहाँ पर आएंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये तो बस आप ये कुछ पैटर्न बना लिए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए आप ऐसे, तो ये लाइन भी ड्रॉ कर लो, लो ये भी कर लो, फिर ये भी कर लो, क्यों कर लो ना, ये लाइन भी ड्रॉ कर लो, तो फिर आप बोलोगे कि इसका ब्रेकआउट वगैरह फेक हो गया। लेकिन आपने कुछ चीज़ें सही से कर ही नहीं रखी ना, तो यही होगा फिर आपके साथ में, ठीक है। उसके बाद में देखो ये डायरेक्ट तोड़ा और डायरेक्ट तोड़ने पर आपको एंट्री लेनी नहीं थी। उसके बाद में देखो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में वापस से नीचे आया क्योंकि इसने एक भी हाई नहीं तोड़ा था, ठीक है। उसके बाद में देखो आप अगर वापस से ये ट्रेड लाइन ले लोगे ना, ये वाली ट्रेड लाइन, ये मैंने ये ट्रेड लाइन ले ली, ठीक है। अभी मार्केट चालू ही है, अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है। और टाइम ये शायद अभी बताता हूँ मैं, टाइम ये कितने बजे की कैंडल है, ये कैंडल है, ये अभी जो बन रही है ना, ये कैंडल है 3:10 की कैंडल है, ठीक है। तो अपना वापस से फिबोनाची के एरिया यहीं पे आ रहा है, लेकिन ये कैंडल ना डायरेक्ट जा रही है, बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल बनेगी ना, इस तरीके की कैंडल, तभी ये वापस आ सकता है, नहीं तो ये वापस नहीं आएगा। कुछ ऐसी इस तरीके की यहाँ पर कैंडल बने है ना, ठीक, उसके बाद में वापस से मार्केट डाउन आ जाए। लेकिन अभी भी आपको इस कैंडल में, यहाँ पर जो ये कैंडल ओपन हो रहे हैं, आपको इसमें बाय करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी बाय नहीं करना। आपको बाय करना है ना तो ये, तो ये या तो इसको ये तोड़े, ठीक है। अगर इसको नहीं तोड़ता ना तो ये ऊपर जाके जब ऐसे आएगा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो उस। लेकिन आपको इस जगह पे ये चल रहा है ना, जिस वक्त ये है ना, इसमें आपको 1% भी एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन आप अगर इसमें लोगे ना तो आप लॉस ही खाओगे इसमें, ठीक है। तो देखो अब ये कैंडल जो बनी हुई है ना, देखो इसमें बहुत से लोग एंट्री लेंगे क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल बन गए, लेकिन बायर आएंगे नहीं, बायर आएंगे ना तो इसके ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी नहीं आए ना तो ये स्विंग ऐसे बन जाएगी ना एक वाली, तो फिर ये नियरेस्ट स्विंग है ये वाली सबसे, है ना, तो फिर इसको तोड़ने के बाद में ज़रूरी नहीं है फिर ये स्विंग तोड़े, ये तो बस थोड़े थोड़े रेजिस्टेंस का काम करेंगे। लेकिन अब ट्रेंड में सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से ब्रेक होंगे, एक भी रेजिस्टेंस नहीं बचेगा फिर। तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको मेरा वीडियो दोबारा देखना चाहिए, हर वीडियो को, जैसे ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो, तो ट्रेंड रिवर्सल वाला अभी तो कुछ भी नहीं बना, ट्रेंड रिवर्स होगा तो एक तो ये डायरेक्ट ऐसे तोड़ के होगा रिवर्स, और दूसरा तरीका ये है कि ये इस तरीके से रिवर्स करे। तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इन दो तरीकों से ट्रेंड रिवर्स करेगा, तीसरा कोई तरीका नहीं है। हो सकता है कि मैंने उसकी पता नहीं कराओ, तो हो सकता है आप उसकी खोज कर लो। तो ये दो तीन तरीके हैं ट्रेंड रिवर्सल के। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।